हेलो, क्या हुआ? क्यों फोन किया? अच्छा, आ रहा हूं मैं। क्या हुआ माजमीना, कितना रो क्यों रही? आपका फोन आया, मैं नहीं आता, लेकिन इस तरह आपको रोते हुए सुनकर, देखिए अगर मेरी माँ के लिए रो रही है ना तो मत रो, मर चुकी है वो मेरे लिए। ऐसे मत कहो। तुम मेरे साथ अभी अस्पताल चलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। क्या बता दूं? तुम मेरे साथ चलो, तुम चल रहे हो ना? मैं बुर्का पहन के आ रही हूँ। आओ आओ मोहल्ले वालों, आओ आओ, दिखाती तुम लोगों को। हाँ ये लो, खुद ही आ गए, जा रहा था। देख लो अपनी आंखों से, ये जाहिर कैसे मोहल्ले की इज्जत के साथ खेल रहा है। मेरी मासूम बच्ची आलिया पे कैसे घिनौने इल्जाम लगाए इसने, और आज खुद महजबीन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसे कहते हैं अल्लाह का इंसाफ। आपा, ये क्या कह रही हैं? जाहिद कनी तो मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेती। बस रहने दो महजबीन, बहुत रख लिए मैंने तुम्हारे पर्दे, अब मैं तुम्हारे गुनाहों का और अपने जमीर का बोझ मजीद नहीं उठा सकती। बस करो खाला, महजबीन जैसी हमदर्द और नेक औरत पे इल्जाम लगाते तो मैं शर्म नहीं आती। देख लो महजबीन की गवाही कौन दे रहा, उसका आशिक जिसको अभी रंगे हाथों पकड़ा है हमने। माजबीन खाला चुप करो तुम। अरे कैसे बेगैरत इंसान हो, एक तो चोरी और ऊपर तो सीना चोरी। हाँ देखो तो सही, मेरी बच्ची के दामन पे कीचड़ उछाला था इसने, उसकी शादी तोड़वा दी इसने, और देखो फिर कैसे पकड़ा गया ये आज माजबीन के साथ। पूछे ना, पूछे सब इससे कि आधी रात को अकेला माजबीन के घर में क्या कर रहा था ये। बोलो, जवाब नहीं तुम्हारे पास, इसका मतलब? मतलब क्या, कहना क्या चाहते हैं आप लोग? वही जो सबको नजर आ रहा है। देखिए आप लोगों को गलतफहमी हो। अच्छा तो अब हम लोगों को गलतफहमी हो गई है? आप बोलो, बताओ, 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 बताओ। एक मिनट, मेरे घर के आगे इस तरह तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। जाहिद को मैंने बुलाया,